मंगलवार को एक मामला सामने आया है। इसमें जेल प्रशासन की सतर्कता के चलते तंबाकू और पुड़िया एक बंदी की तलाशी में निकली है। इन्हें जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक रूप से अफीम भी होने की बात सामने आई है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। चप्पल में स्किन बनाकर जेल में प्रतिबंधित वस्तु ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। निरुद्ध पवन धाकड़ बंदी आज वास्ते उपचार है जो अस्पताल गया था, उसके द्वारा चप्पल में छुपा करके 12 तंबाकू की पुड़िया और 3 चूने की पुड़िया लाई गई है, जो बरामद गेट में हमने करी है और इसमें हम उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। पहली कारागार अधिनियम में तंबाकू है, वो जेल में निषिद्ध सामग्री है, अतः उसके खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज हो रहा है। कारागृह में STD की सुविधा है बंदियों को, तो हो सकता है उसने अपने परिजनों से बात करी होगी। ये अनुसंधान का विषय है कि उसने कैसे चेंज करी है। इसमें कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज होगा, उस पर पुलिस अनुसंधान करेगी कि इसने किस प्रकार से इसको चेंज किया है। आए दिन का लापरवाही तो इसमें नहीं रहती है, सतर्कता ही है, जिसके कारण बार बार हम इस सामान को पकड़ते रहते हैं। और कारागृह है बिल्कुल जो अपना है वो नशे से मुक्त है, डी एडिक्शन के अपने कैंप भी हो रहे हैं, फिर भी देखो बंदी प्रयास करते रहते हैं और हमारी सतर्कता ही है कि हम इनको पकड़ते रहते हैं। अभी कितने बंदी वर्तमान में क्षमता है वो 338 की है, उसके विरुद्ध करीब 550 बंदी भी कार्यक्रम निरुद्ध है। सर अरेस्ट हुआ है बाकायदा, बंदियों को काफ़ी बंदियों को सजा भी हुई है उसमें, और एक पॉजिटिव जो है वो मैसेज भी है कारागृह में। आमतौर पर बंदी ऐसी घटनाएँ नहीं करते हैं, किंतु कुछ आदतन अपराधी होते हैं वो उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं।